शाजी, तुमको कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, हा? तुम जल्दी ठीक हो जाएगा। वो जमाल खाना देखो ना, इसका तो बुखार कम नहीं हो रहा है, हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। चलो चलो, इसे डॉक्टर साहब के पास ले चलता है। बड़ा मामूली बुखार है, खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, तुम खाम खा फिक्र न करो, मेरा बेटा शेर है शेर। जमाल लाला, अस्सलाम वालेकुम जमाल लाला। वालेकुम अस्सलाम, पखैर पखैर। बड़ा लाला कैसा है? लाला ऐसा है कि हम आपसे पोलियो मुहिम के बारे में बात करने के लिए आए हैं, जो थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा। बस आप अपने बच्चों को पोलियो का खतरा पिलाना मत भूलो। मड़ा शायद मैंने तुमको पहले भी बताया, मेरे बच्चों को कतरे वतरे नहीं चाहिए, वो ठीक है, मेरे और बहुत मसले है मड़ा, मुझे और टेंशन मत दो। मगर लाला, पोलियो मुहिम का तो मकसद ही आपके खानदान को किसी बड़े नुकसान से बचाना है। ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, और इस मुस्तकबिल को सबसे बड़ा खतरा पोलियो से है। मड़ा, हमें झूठी मोटी कहानियाँ क्यों सुनाते हो? तुम लोगों को क्यों डराते हो? यार ये कोई कहानी मानी नहीं है, पोलियो तो एक खतरनाक बीमारी है जो बच्चों को हमेशा के लिए माजूर कर देता है। यार लला, अपने बच्चों का तो सोचो। मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है, सलाम अलैकुम। लाला, आपका बच्चा काफी देर से रो रहा है, ये ठीक तो है ना? वो तुम पोलियो वालों से डर गया, तुम तशरीफ ले जाएगा तो हम इस बच्चे को देखेगा ना। जमाल लाला, ये तो सुबह से खड़ा भी नहीं हो रहा, ये पोलियो की अलामत भी हो सकती है। वो खुदा, तुम हमारा बीवी का दिमाग क्यों खराब करता है, वो पहले ही बहुत परेशान है। तुमको खुदा का वास्ता जमाल खाना, चलो। वो अच्छा, चलो चलो, अभी पता चल जाएगा। ऐसा मत को, हमारे बच्चे को पोलियो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा। हाँ जमाल खान, मेरे पास लेबोरेटरी के रिजल्ट आ गए हैं, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके बच्चे को पोलियो है। वो खुदाया, ये मैंने अपने बच्चे के साथ क्या किया, हमें तो सारा गांव कहता था ये पोलियो ड्रामा है। जमाल खान, पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जो ज्यादातर छोटे बच्चों पर असर करती है, और इसका वायरस मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल होता है जब बच्चे कोई आलूदा खाना या पानी पीते हैं, और अगर एक दफा ये वायरस जिस्म में दाखिल हो जाए तो बच्चों को जिंदगी भर के लिए माजूर कर देता है, और पोलियो का कोई इलाज नहीं। वो मैं तो समझा था इसको सिर्फ बुखार है। बुखार तो इसकी एक अलामत है, बाकी अलामतों में थकावट, सर दर्द, पेट का दर्द शामिल है, इसलिए बच्चों को 5 साल तक की उम्र तक पोलियो के कतरे पिलाते रहना बहुत जरूरी है। लाला, हमें शाहजेब का बहुत दुख है, लेकिन आप अपने दूसरे बच्चों को अभी भी बचा सकते हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। सलमा ठीक बोल रहा है लाला, हम इनको बचा सकते हैं, इनको और शाहजेब को पोलियो का कतरा पिलाना बहुत जरूरी है माना। तो क्या पोलियो के कतरों से शाहजेब ठीक हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा ना, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा? नहीं सुंबल, पोलियो ला इलाज है, लेकिन ये एक बच्चे से दूसरे को लग सकता है, शाहजेब की बीमारी दूसरे बच्चों के लिए खतरा है, इसलिए जरूरी है कि इसको भी कतरे पिलाए जाएं। अच्छा भाई, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं इसको घर लेकर चलता हूँ, चलो सुंबल। ओमना डॉक्टर अहमद साहब, ये तो बहुत अफसोस वाला बात हो गया, मगर हम अगर और लोगों को नहीं बताएगा तो शाहजेब जैसा और बहुत सा बच्चा होगा। क्या डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ शाम को जीरा में चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कोई और बच्चा पोलियो का शिकार ना बने।